सम्माननीय धर्मप्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, कई वर्षों के बाद साझा में फिर से आना हुआ। पहले जब आया था तो आप लोगों को किसी को पता भी नहीं रहा होगा कि हम लोग आए थे, और अब की पुनः आने का अवसर लगा। हम सभी अपने जीवन में कहीं भी रहते हों, कोई भी काम करते हों, शिक्षा चाहे जितनी हो, कम हो ज़्यादा हो, धन कम हो ज़्यादा हो, लेकिन एक चीज़ सभी चाहते हैं, वह है सुख शांति का अनुभव। चाहे वह धनपति हो या फिर गरीब हो, सबके अंदर से एक भाव जगता है। गुरुदेव जी पूछा करते थे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए क्यों खाते हो? जीने के लिए क्यों जीते हो? इसका सटीक उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं। जीवन को एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह हमें व्यतीत नहीं करना है। कमाना खाना जीना, कमाना खाना जीना, यही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का जीवन कुछ और के लिए है। पशु पक्षियों का जीवन और मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर है। पशु पक्षियों को देखो तो दिन भर दौड़ते हैं। दो उद्देश्य होता है, उदर पोषण और प्रजनन, पेट भर जाए और अपने ही तरह के संतान पैदा कर ले, यही उद्देश्य होता है। मनुष्य भी उदर पोषण के लिए करता है काम, प्रजनन करता है, लेकिन साथ साथ एक भिन्न अवस्था, मानसिक स्थिति, चूंकि मनुष्य का बहुत विकसित है इसलिए थोड़ा आगे को सोचता है। आनंद का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, व्यवहारिक धरातल से उठ करके आत्मिक धरातल पर उठें, यह भाव जगता है, तभी जीवन की पूर्णता होती है। तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव हम सभी करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? अच्छा, जिसने किया है उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था थी? आखिर किसी ने तो किया है काम। इतिहास उठाकर देखें या वर्तमान को देखें तो पता चल जाएगा कि कोई तो है जिन्होंने यह काम किया है। अब नाम हम लेते हैं, पुराने नाम, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, विदेश के भी और भी बहुत सारे नाम ले सकते हैं, कुछ नाम है जिसको गिनाया जा सकता है। तो उन्होंने किया ना अनुभव सत्य का, शांति का अनुभव किया। आखिर में हम सब भी तो कर सकते हैं, और आज भी हैं, आज भी हैं, अपने अपने क्षेत्र में सफल होने वाले लोग हैं, और बाकी लोग असफलता का जीवन जी रहे हैं, वे सफलता के जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? इसका मतलब है उन्होंने जीवन में एक सिस्टम को अपनाया, एक तरीका अपनाया। कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग का ज्ञान पाना चाहे
तो उसका एक सिस्टम है, उसकी एक पढ़ाई है, उसका क्लास होगा और उसकी पढ़ाई होगी, पुस्तकें होंगी, परीक्षाएं होंगी। कोई चिकित्सक बनना चाहे उसका अलग सिस्टम है, कोई वकील बनना चाहे उसका अलग सिस्टम है, सबका। कोई खिलाड़ी होना चाहे, किसी खेल में वह मेडल चाहता है, एक्सपर्ट होना चाहता है, तो उसके लिए अपना अलग ढंग है। कोई संगीत में आगे बढ़ना चाहता है तो संगीत का अपना क्षेत्र है। लेकिन आप ये देखेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, चाहे वो गायक हो, नृत्य करने वाला हो, कोई भी हो, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपना जीवन चला सकते हैं और बढ़िया जी सकते हैं। लेकिन सबके अंदर में भी यही भाव जगेगा, क्या मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद का अनुभव करना चाहिए, सभी चाहेंगे। ख्याल करिए, एक प्रधानमंत्री हो या देश का मुखिया, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, किसी किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और कहीं कहीं प्रधानमंत्री, कोई भी हो, जब उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु पश्चात एक श्रद्धांजलि सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा में वक्तागण बोलते हैं, उनके उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कार्यों का बखान करते हैं, लेकिन समापन पूर्व एक वाक्य प्रायः सभी कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये सुने होंगे, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अच्छा, शायद ही कोई कहता होगा इनकी आत्मा को अगले जन्म में फिर से प्रधानमंत्री बना देना, कोई कहता है नहीं। अर्थात वो बड़े पोस्ट पर तो चले गए, इसका मतलब शांति ही बची रह गई थी, तभी तो सब लोग कामना कर रहे थे। एक वाइस चांसलर हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, वो भी जब मरेगा और जब उनकी भी श्रद्धांजलि सभा होगी, तब भी अंत में क्या कहा जाएगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और चाहे धनपति हो, आजकल जो बड़े धनपति हैं, रिलायंस इत्यादि कंपनी के मालिक, यदि वो भी जब एक दिन मरेगा तो अंत में क्या कहा जाएगा, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब सोचिए, धनी हो, विद्वान हो, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन सबके लिए क्या कामना है, शांति। लेकिन बुद्ध का जब शरीर का अंत हुआ होगा तो क्या लोग कामना किए होंगे, कबीर का जब शरीर छूटा होगा तो क्या यही कामना की उनको शांति प्रदान करें, सभी जानते थे ये तो शांत थे ही, ये तो शांत थे ही। कबीर ने साफ कहा है, जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से लोग डरते हैं, लेकिन मैं तो आनंदित हूँ, क्यों, कब मरूंगा और पूर्ण परमानंद को पा जाऊंगा, क्योंकि अभी जब तक शरीर है, शरीर के क्रियाकलाप है, भोजन करो, स्नान कराओ, दवाई पानी करो, कुछ और काम इससे मिलो उससे मिलो, जब यह भी नहीं रहेगा पूर्ण परमानंद, फिर तो कोई नहीं है, मैं अपने आप में शांत रहूंगा। ये जो शांति है, ये हम सबके भीतर की मांग है। जब आदमी किसी तनाव में होता है, चाहे वो घर की समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो, कोई भी समस्या, तो बड़ा परेशान रहता है, बेचैनी होती है, और ऐसा लगता है जैसे काफ साफ से छुट्टी मिले और शांति से रहूं, ऐसा चाहता है वो। उसी प्रकार से है जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो वो तड़पती है, पानी में
फिर से जाने के लिए। ऐसी ही है आत्मा, तड़पती है शांति के लिए, क्योंकि बेचैनी पसंद नहीं है। आप देखिए, कोई भी जब नकारात्मक विकार मन में आते हैं, क्रोध आता हो, क्रोध में आप कितनी देर तक रह सकते हैं? कुछ मिनट में ही आपकी मिट्टी पलीद हो जाती है ना? क्रोध आता है, एक मिनट का क्रोध वह कर देता है जिसकी भरपाई जीवन में नहीं हो सकती है। एक घटना याद आई, एक संत एक जेल में प्रवचन करने गए, बुलाए गए थे गुरुदेव जी के साथ। तो मैं भी गया हूँ जेल में, जब गुरुदेव जी के प्रवचन के लिए बुलाए गए थे केंद्रीय जेल भोपाल के, और भी उधर गुजरात में एक जेल, एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है, गौशाला वगैरह है, कौन सी जगह है, राजकोट के पहले, राजकोट के आगे, जामनगर, जामनगर के भी जेल में गुरुदेव जी को बुलाए थे, साथ गया था। बात यहाँ पर है कि उनको वो जेल में गए थे प्रवचन करने के लिए, प्रवचन हुआ, सुने, एक कैदी था आया और पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। महाराज ने कहा, क्या बात है भाई, बताओ। महाराज, क्या बताऊं, इतना मुझे तकलीफ है, मैं कह नहीं सकता, थोड़ा सा एक बार मन की उत्तेजना, क्रोध, और मुझे यहां लाकर खड़े कर दिया है। उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हम लोग शायद वो शराब पीते थे, शराब पीते थे तो पत्नी मना करती थी, शराब मत पियो मत पियो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि देखो, पीते हो लेकिन घर में नहीं पीना है, बाहर जाके पिया करो। तो बाहर पिया करता था और पत्नी चली गई मायके, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो अपने मित्रों को ही घर में बुला करके शराब पीने लगा। और ऐसा संजोग, जो निर्धारित समय था उनकी आने का, वो पहले आ गई और देखा, देखती है कि घर में सब लोग बैठ करके बस उन लोगों का चल रहा है, तो वो बहुत नाराज होती है और बोलने लगी कुछ। और इसने क्या किया, जो पेपर वेट रखा रहता है ना, वो टेबल पर शीशे का बना होता है, शीशे का आप जानते हैं ना, पेपर वेट, तो वो उठा करके उसके ऊपर फेंक के मार दिया। अच्छा, ये इंटेंशन नहीं था कि उनको मार देना है, लेकिन ऐसा संजोग, वो पेपर वेट जा करके उसके माथे पर लगा और इतना जोर से लगा, वही गिरी और मर गई। और मैं जेल में हूँ। सोच, मैंने क्या कहा, एक मिनट का भी क्रोध इतना हो जाता है कि आदमी जीवन भर अफसोस करता है, कब तक रहेंगे? लेकिन आप प्रेम में जीवन भर रह सकते हैं, शांति में जीवन भर रह सकते हैं। वो कोई तकलीफ देती है नहीं? आपस की लड़ाई और झगड़े में कितनी देर तक रहेंगे? तनावपूर्ण माहौल, अपनों के साथ तनावपूर्ण, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, देवरान जेठान हो, तनाव में रह करके आदमी सुखी नहीं रह सकता है, कभी सुखी नहीं रह सकता है। आप तनाव का मतलब समझ रहे हैं ना, विरोध, विरोध, विरोध में क्या होगा, जैसे मैं बताऊं विरोध में क्या होता है। एक रस्सी हो, एक रस्सी के छोर को आप खींचें, दूसरे छोर को मैं खींचूं, तो रस्सी की क्या स्थिति होगी, तनाव में होगी, होगी कि नहीं होगी, तनाव में। लेकिन जिसने रस्सी छोड़ दी, कोई एक रस्सी छोड़ दिया, तो दूसरे की क्या दशा होगी, वो धड़ाम से गिर जाएगा, है ना? तो जिसने भी अपनी ओर से तनाव के कारण को खत्म किया, समस्या के कारण को खत्म किया, समस्या वही धराशायी हो जाती है। और इसके लिए आवश्यकता होती है एक भाव का बनना, एक मन का बनना, मैं तनावपूर्ण जीवन नहीं चाहता हूं।
और जो मन में होता है ना वो फिर तन में भी आने लगता है। मन में होता है वो धीरे धीरे तन में भी आने लगता है। देखिए एक चीज बताऊं मैं, मन और तन, तन और मन, ये दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं है, सर्वथा अलग अलग नहीं है। तन में जो कुछ घटता है वो मन में चला जाता है और मन में जो कुछ घटता है वो तन में चला जाता है। आपका शरीर लगातार बीमार रहे तो आपका मन कैसा होगा? मन भी खिन्न हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, क्या बताऊं इस बीमारी से कैसे होगा। अन्य कामों भी ठीक से मन नहीं लगेगा। अब तन का प्रभाव मन पर, अच्छा मन में बहुत डिप्रेस है, आप आपस में कलह है, दूसरे के विषय में बैर भाव है, नफरत और घृणा है, क्या होगा? मन कब तक संभाल के रखेगा? उसको फेंक देता है तन में, और वो बीमारी के रूप में विभिन्न प्रकार के, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्याधियों के रूप में वो मानसिक तनाव प्रकट होने लगते हैं। इसलिए आप यदि मन को प्रसन्न रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो स्वास्थ्य तो अपने आप आपको मिलने लग जाता है। इसलिए मन की प्रसन्नता बनाए रखो, किसी के साथ लाग डांट बैर विरोध, कैसा जीवन होता है आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा बोझ लेकर के हम चलते हैं, वो जानते हैं कौन सा बोझ है? सबसे बड़ा बोझ लेकर जो हम चलते हैं वह बोझ है मन मुटाव का, है ना? मन मुटाव का इतना बोझ लेकर के न चले कि आप थक जाएं। कबीर साहब जी ने यह पंक्ति कही है कि मत लादो गठरिया, नहीं, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया, समुझ के लाद लदनिया। ये पंक्ति सुने होंगे कबीर साहब की, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। कितना बोझ लेकर किससे किससे बैर करोगे, किससे किससे दुश्मनी करोगे, आपका अंतस जलता रहेगा, ये ध्यान दो। जिसके मन में नफरत है, जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में घृणा और ईर्ष्या है, क्रोध है, वह आदमी कभी भी शांत नहीं हो सकता है, वो बेचैनी। देखो बहुत बड़ा मकान तो रहेगा, बहुत बड़ी गाड़ी भी रहेगी, सारे ऐश्वर्य से संपन्न, लेकिन भीतर से खोखला, भीतर से खाली, और यह पूर्णता नहीं है जीवन की। छोटा मकान हो, गाड़ी न भी हो तो बाइक से ही, न हो तो साइकिल से ही, लेकिन आपस में प्रेम है, स्वयं में प्रसन्नता है, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है, अपनों के प्रति, अपने ही लोग हैं सब, किसके प्रति बैर और दुश्मनी का भाव रखें? अरे थोड़ा धन इधर की उधर। आप एक चीज हमेशा ध्यान दें, एक होता है पदार्थ वस्तुएं और दूसरा है प्राणी। आप हमेशा प्राणियों को महत्व दो, पदार्थों को नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, जन धन है धन धन नहीं है। फिर से कह रहा हूं इस सूत्र को, धन धन नहीं है जन धन है। जिस धन को आप धन कह रहे हैं वह बड़ा धन नहीं है, असली धन है जन, मनुष्य। वो पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, भाई के रूप में है, सास के रूप में है, बहू के रूप में है, देवरान जेठान के रूप में है, वो जो घर के सदस्य है ना वो असली धन है, वो असली धन है। यदि उनके साथ परस्पर प्रेम है तो थोड़ा धन भी आपको सुख देगा, आनंद देगा, और उनके साथ आपस में कलह है, वैर है, वह कभी भी शांति
प्रदान नहीं कर सकता है। एक पंक्ति उन्होंने कही है, बुद्ध ने, नहि वैरेण वैरानी संबंधित कुदाचनम अवैरेण च संबंधी एष धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी नहीं मिटता है, अवैर से ही वैर मिटता है, आग से आग नहीं बुझती है। एक गरम लोहा हो तो गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए, गरम लोहे को गरम लोहा नहीं काट सकता है, ठंडा लोहा चाहिए। कोई गरम हो आप ठंडा हो जाओ, शीतल हो जाओ। किसी के मन में इस प्रकार के भाव हैं, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। हम सभी को देखिए, मैं बस समझता हूँ यहाँ जितने हम सब बैठे ना, कोई दूध के धोए नहीं है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मुझमें मेरे से कभी गलती हुई नहीं है। हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, और जब गलतियाँ हो जाती हैं तब क्या चाहते हैं, मेरी गलती को क्षमा कर दी जाए। और दूसरा भी चाह रहा है कि मेरी गलतियों को क्षमा कर दी जाए। हमें गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, रिश्तों को निभाना जरूरी है, क्योंकि वही हैं जिनके साथ आप प्रेम से हैं तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप देखिए, आपको प्रसन्न रखना है तो अपनी श्रीमती को प्रसन्न रखो। यदि वो नाराज है तो कब तक प्रसन्न रहेंगे, नहीं रह सकते। घर के सदस्यों को, अपनों को प्रसन्न रखो। कुछ ऐसा क्या लगता है, अच्छा किसी छोटे मोटे धन के लिए, तो पद के लिए कुछ कहा सुनी हो गई, क्या हो गया, हो गया तो अरे हो गई बातें, उसको छोड़ दो, फिर से वापस आओ, फिर से वापस आओ। वैमनस्य में जलना अपना भयंकर नुकसान करना है। द्वेष में जलना यह इतना नुकसान करने वाला है कि हम भीतर से बहुत विचलित रहते हैं। जैसे वो लकड़ी है ना, लकड़ी उसके अंदर से कीड़े लगते हैं तो जिसको था ना घुन लग गया। लकड़ी ऊपर से तो सही सलामत दिखती है लेकिन भीतर से खोखली होती जाती है। जिसके मन में द्वेष और नफरत होता है ना, वो अंदर से खोखला होता जाता है। ऊपर से दिखा, ऐश्वर्य दिखा, बड़ा मकान दिखेगा, बड़ी गाड़ी दिखेगी, कीमती कपड़े दिखेंगे, लेकिन अंदर से जैसे कोई कुतर रहा हो, कीड़ा कुतर रहा हो, वो नुकसान करता है। लेकिन जब आपस में प्रेम है, आपस में हंस के बातें कहते हैं, किसी की गलती को आप नजरअंदाज, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर के, हम मिलकर रहेंगे, हम प्रेम से रहेंगे। ये चीजें जिसके मन में आ, वही बड़ा होता है। ये पंक्ति सुने होंगे ना, क्षमा बड़न को चाहिए, सबको याद है, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो भृगु मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ों को चाहिए वो क्षमा कर दे, यही बड़प्पन है। जिन हम लोगों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, सही कहो तो, बड़े बड़े उदाहरण आप देखेंगे ना, जिनके साथ में बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, उन्होंने भी क्षमा और गम के रास्ते पर चल करके जीवन की ऊंचाई को छुआ है। एक नाम आप लोग सुने होंगे, नेल्सन मंडेला, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के वो राष्ट्रपति अंत में हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति होने के पहले वहाँ पर काले और गोरों की जो संघर्ष था उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इसके लिए जानते हैं 26 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। कितने साल, 26 साल। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं जब दक्षिण अफ्रीका गया तो नेल्सन मंडेला से मिलने गया, और जब उनसे मैं हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते वक्त ऐसे लगा जैसे कोई देवदूत से हाथ मिला, किसी फरिश्ते से हाथ मिला रहा हूं। मेरे शरीर में एक सिहरन सी आई, क्योंकि वो नेल्सन मंडेला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कभी आप उनके विषय में पढ़ें, बहुत कमाल के इंसान थे। 26 साल और एक कमरे में
जो बहुत छोटा, वो 6 फुट से भी ज्यादा लंबे थे, लेकिन एक छोटे से कमरे में उनको रहना पड़ता था। उन्होंने कहा मैं उस कमरे को भी देखा जहां पर उनको रहना पड़ता था, और कठोर काम करवाया जाता था, कठोर परिश्रम लिया जाता था, करते रहे करते रहे। लेकिन उसने अपना अभियान नहीं छोड़ा। फिर हुआ क्या, वे जेल से रिहा हुए, राष्ट्रपति बने। एक दिन क्या हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर के एक होटल में गए। सबके लिए भोजन का ऑर्डर किया गया और सभी बैठे हुए थे भोजन की प्रतीक्षा में। नेल्सन मंडेला ने एक व्यक्ति को देखा और अपने एक सिक्योरिटी गार्ड से, सुरक्षा कर्मी से कहा, उस आदमी को बुला लाओ हम लोग के साथ भोजन करने के लिए। गया, कहा, उस समय तो राष्ट्रपति हो चुके थे, तो फिर गए वो और बुला करके ले आए। वो आदमी आया तो सब लोग बैठे थे कुर्सी पर, सामने टेबल थी, वो भी बैठा। भोजन का ऑर्डर हो चुका था, भोजन आया, सब लोग भोजन करने लगे। तो जिस आदमी को बुलाया गया था नज़दीक में, वह भी भोजन किया और भोजन के पश्चात अभिवादन किया और चला गया। जब वो चला गया तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो जो आदमी आया था ना, ऐसा लगता है जैसे उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, खराब था, क्योंकि जब भोजन कर रहा था तो उनके उनका हाथ कांप रहा था, उनका पूरा शरीर एक प्रकार से कंपन में था, ऐसा लगता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तब उन्होंने बताया, जब मैं जेल में था तो ये आदमी जेलर था। क्या कहा, जब मैं जेल में था तो ये आदमी जेलर था और कठोर परिश्रम लिया करता था, और जब हमें प्यास लगती थी, पानी मांगते थे, नहीं उन्होंने कहा जब मैं पानी मांगता था तो मेरे ऊपर ये पेशाब कर देता था। आज मैं राष्ट्रपति हूँ और वो एक सामान्य नागरिक है, और उनको लगा कि राष्ट्रपति बन गए हैं, अब मेरा बदला लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ बदला लेकर के जीवन जीना अपने आप को बहुत नुकसान करता है, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन क्षमा करके जीवन जीना, यही जीवन का असली रूप है, उसी से शांति मिलती है। सोचिए, वो राष्ट्रपति, उसको फांसी की पर भी लटका सकते थे, वो इस पोस्टर पर पहुंच गए थे, लेकिन वो जादू बड़ा दिल वाला है। बड़े आदमी का दिल भी बड़ा होता है, आप बड़प्पन दिखाइए। छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आप द्वेष पालेंगे, नफरत पालेंगे, शांति कहाँ मिलने वाली है। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ी संपत्ति आपकी क्या है, शांति। सब खो जाए, आपका मन शांत रहे। गुरुदेव जी कहा करते थे, पेट भर भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, रहने को छोटी मोटी जगह मिल जाए और मन प्रसन्न रहे, और क्या चाहिए संसार से, यही तो चाहिए ना। पेट भर भोजन हो गया है, पहनने को कपड़े हो गए हैं, रहने की जगह हो गई है और मन प्रसन्न है, इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। आप किसे सफलता मानते हैं, धन का बढ़ जाना, ऊंचे पद का चला जाना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो कितना उपयोग करेंगे। मान लो आपके पास में 10,000 रोटियां रखी हुई हैं, आप क्या मानेंगे, और आपको कितनी रोटी चाहिए, 4 रोटी, 3 से 4 रोटी, और 10,000 रोटी आ गई तो अपने आप को सफल मानेंगे। उन रोटियों को दूसरों में बांट दो, नहीं तो आपके लिए नुकसान करने वाले हैं। कितनी आवश्यकता है बताओ। जैसे हम लोग के आश्रम में कोई जाके देखता है, ओ इतना बड़ा आश्रम, कितने कमरे हैं, मैं कहता हूँ बड़ा आश्रम है तो हुआ क्या, एक ही कमरे मिलेगा ना हम लोगों को। अच्छा, एक कमरे के एक बिस्तर मिलेगा, जिसके घर में 10-15 कमरे हों तो क्या करेगा, रोज एक एक कमरा में बदल बदल के वो निवास करेगा, एक ही कमरे में तो रहेगा, एक ही बिस्तर पर तो रहेगा। यदि पति पत्नी साथ में है तब एक बिस्तर में समझ लीजिए कि एक खाट पर आधे समझो उनका हिस्सा है, आधे हिस्सा है। तो बड़ा कमरा आपको बड़ा मकान सुख देगा,
सुख तो मन की अवस्था है, दुख मन की अवस्था है। वो मन की अवस्था कैसी है, और मन में यदि गलत विचार हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मन में पवित्र विचार हैं तो थोड़ा धन भी प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। इसलिए, और ये कैसे होगा, जिसके लिए मैं कह रहा था, आपस में प्रेम, आपस में समता का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, एक दूसरे के प्रगति में प्रसन्नता हो, प्रसन्न हो। और कम से कम दूर नहीं तो अपनों से शुरू करें, वैसे तो सबके लिए होना चाहिए। जैसे हमारी ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मान लो सबके लिए न भी सोच सको, अपनों के लिए सोचो, अपने परिजन के लिए तो सोचो कम से कम। अपना भाई है, अपनी ही बहन है, अपने ही घर के लोग हैं, अपने ही परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए सुख से सोचो, उनके हित के लिए तो सोचे। यही तो प्रेम है। प्रेम का मतलब ही क्या होता है, दूसरे के हित की चिंता। आप दूसरे के हित की चिंता करें और आपका हित होने लग जाएगा, आपका हित होने लग जाएगा। लेकिन केवल आप अपने हित करना चाहेंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है उदार बने। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, ये शास्त्र में एक कथन, एक वाक्य है, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले वसुधा को कुटुंब, समझ रहे ना, वसुधा माने पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते, पृथ्वी में जितने लोग हैं सबको अपना कुटुंब मानते हैं। लेकिन यहाँ तो कुटुंब ही दुश्मन बना हुआ है, अपने ही लोग पर दुश्मनी है, वसुधा कहाँ से दुश्मनी होगी। और ऐसे में शांति नहीं, ऐसे में आनंद नहीं हो सकता है। ये पूजा पाठ, ये धर्म कर्म, ये आरती उपासना कोई काम आने वाली नहीं है, ये बता देता हूं मैं। आप तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, पूजा करो, माला फेरो, जप करो, पाठ करो, व्रत करो, उसका कोई अर्थ नहीं है। असली चीज क्या है, आपके चित्त की पवित्रता, चित्त की शुद्धि। यदि अंतस पवित्र नहीं है या अंतस पवित्रता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूजा भी इसी के लिए है। आप किसी देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या गुरु की उपासना करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान की पूजा भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं, आप बताएं। मान लो कोई भगवान राम की पूजा करता है तो भगवान राम को लाभ देने के लिए, अपने लाभ के लिए। अच्छा, कृष्ण की पूजा करने वाला, कृष्ण को लाभ मिलने वाला है मेरी पूजा से, अरे आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं ना। कोई कबीर की उपासना करता हो तो आपकी उपासना से कबीर को फायदा होने वाला है, अरे वो लोग तो अपना फायदा कर ही लिए। आप पूजा करते हैं, आप जप तप करते हैं अपने लिए, और अपने लिए फायदा करने का मतलब क्या हुआ, अपने लिए फायदा करने का मतलब ऐसा नहीं कि धन बढ़ जाए वही आपका फायदा है। आपका असली फायदा चित्त की पवित्रता है, अंतस की पवित्रता है। बाहर के फायदे बहुत लोग कमा लेते हैं अपना वर्कआउट करके, लेकिन असली क्या है, मेरा मन निर्मल हो, मेरा मन प्रसन्न हो, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम और मैत्री का भाव हो, दूसरों की गलती को क्षमा कर सकूं, वह शक्ति दो मुझे। अपनी गलती को क्षमा मांग लूं, वह शक्ति दो मुझे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु के पास जाते हैं लोग आशीर्वाद के लिए, ये पा जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। आप जाए किसी संत के पास, किसी गुरु के पास में, तो एक ही चीज के लिए जाए, बताऊं। आप उनसे मांगिए, हे गुरु महाराज या हे संत जी, आप अपनी आंख मुझे दे दीजिए। अपनी आंख का मतलब समझ रहे हैं ना, जिन आंखों से, जिस तरीके से देखते हैं वही तरीका मोदी जी दे दीजिए। वो तरीका क्या है, समझ, अच्छी समझ। आखिर मैं भी संसार में रहता हूँ लेकिन दुख सुख के झमेले में उलझा रहता हूँ, आप भी इसी संसार में रहते हैं लेकिन आप प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तनाव रहित जीते हैं, सबके साथ प्रेम और समता का भाव करते हैं, क्यों? इसका मतलब है दुनिया को आप देख रहे हैं लेकिन आपका देखने का ढंग बिल्कुल अलग है। मैं भी देख रहा हूं लेकिन मेरा ढंग अलग है।
कहा जाता है, एक आदमी था, वह लोगों के पास जाकर कहा करता, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो तो मैं गुरु बना लूं। लोगों से ही कहा करता था, जो मुझे परमात्मा का दर्शन करा देगा मैं उसे गुरु बना लूंगा। संत के पास जाए, अरे हम ही नहीं किए, आपको क्या कराएं। फिर वहां जाए, वहां जाए। एक संत ने कहा ठीक है मैं तो करवा दूंगा, तो कराओ दर्शन। ऐसे थोड़ी होगा, ये जो दोनों आंखें हैं ना तुम्हारी, वो जब बंद हो जाएगी ना तब परमात्मा के दर्शन होंगे। उसने कहा ठीक है, आंखें बंद करके बैठ गया, अब दर्शन कराओ। उसने कहा ये बाहर की आंख नहीं, ये आपके वो आंख जो राग और द्वेष के आंख है। या तो लोगों को राग के रूप में देखते हो या द्वेष के रूप में देखते हो। जिनके प्रति राग होता है उसको बढ़ाने के लिए, चाहे जायज नजायज जिसी तरीके से भी उसको बढ़ाना चाहते हो, ये क्या है राग। और द्वेष क्या है, द्वेष जिनसे करते हैं उसको आप चाहते हो उच्छिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। चाहे वो आदमी जितना अच्छा हो, आप जिनके प्रति द्वेष करते हैं उसको आप पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। और जिससे आप राग कर रहे हैं चाहे जितना गलत हो आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। इन नेत्रों से आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। वो तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्या हुआ, समता का नेत्र, समता का नेत्र। अच्छा करने, देखो जो बुरा करते हैं ना, अच्छा करते हैं ना उनका भी जीवन चल जाता है, और बुरा करते हैं ना उनका भी जीवन चल जाता है। लेकिन होता क्या है इससे, कबीर साहब जी की पंक्ति याद करो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। हम सभी को यहाँ से जाना है, पहले लोग चले गए हमको भी तो जाना है। क्या हम में से कोई है जो कहेगा मैं स्थाई रहने आया हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन चलने के समय क्या होता है, साहब ने क्या कहा, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन पर बैठकर जाता है और दूसरा जंजीर से बंध करके जाता है। लेकिन हम लोग तो ऐसा देखते नहीं हैं। जब कोई आदमी मरता है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं और या तो जला देते हैं या मिट्टी में दफना देते हैं। कभी तो देखे नहीं जंजीर बंधा हो या सिंहासन पर बैठा हो। भाव क्या है, सिंहासन पर बैठ करके जाना संतुष्टि भरा समापन है, खुश होकर के जाना, और जंजीर से तड़पते हुए जाना, अफसोस भरा अशांत होकर के जाना, पश्चाताप करते हुए समापन करना जीवन का, ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उससे करना था वैसा करना था, अभी असंतुष्ट हैं आप अपने जीवन से, आप लड़ाई झगड़ा में अंत में उलझे हुए हैं, राग द्वेष में उलझे हैं, आपका मन बिल्कुल कुलबुला रहा है अंदर से, अशांत है, यही तो जंजीर में बंद करके जाना है। और जिसका मन शांत प्रसन्न चलते समय वो सिंहासन पर बैठ कर जा रहा है। ऐसा कमाई करो जीवन में, ऐसी कमाई करो जिससे अंत में सिंहासन पर बैठ कर जाना हो। कबीर साहब जी ने यह पंक्ति कही है, यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथिए संबल कियो न जाए। संबल कहते हैं राह खर्च को, समझ रहे हैं, राह खर्च, संबल राह खर्च। आप यात्रा में जाते हैं, पहले की बात थी, आज से कबीर साहब ने तो 550 साल पहले बात कही है और आज में बहुत अंतर है ना। पहले तो इस प्रकार से ATM तो सुविधा थी नहीं, होटलों की सुविधा नहीं थी, तो लोग अपने लिए भोजन की व्यवस्था करके जाते थे ताकि वहाँ जाएंगे। अच्छा पैदल भी जाना होता था, बहुत सारी व्यवस्था करके जानी होती थी। और वो कहाँ करेंगे, जहाँ हैं वहीं से, वहीं तो बाजार में लेंगे आप, आगे तो कोई रास्ता नहीं है, आगे तो कोई बाजार नहीं मिलने वाला है जब आप चले जाएंगे जंगल, क्योंकि जंगल की स्थिति रहती रही होगी। तीर्थों में जाना कहीं भी, तो साहेब क्या प्रतीक है कहने का, साहब रूपक में साहेब कहते हैं, यहाँ संबल कर ले आगे विसी बाट, संबल कर लो, यहाँ इकट्ठा कर लो, यहाँ सौदा कर लो। ये मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जहाँ आप संबल इकट्ठा कर सकते हैं, आगे तो फिर पशु पक्षियों की खानी आने वाली है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप।
जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए। ये पुर, ये शरीर, ये पाटन सत्संग रूपी बाजार में पा करके संबल इकट्ठा नहीं किया, क्या होगा? झाली परी दिन आती, अंत में पछताओगे जब बूढ़े हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। जब शरीर में शक्ति है, इंद्रियां बलवान है, काम कर लो, वो काम कर लो, अच्छा काम, नेकी का काम कर लो, तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं तो फिर ये अफसोस भरा समापन होने वाला है जीवन का। हम सबको क्या करना है, ये कुछ ऐसा करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी करें भला, केवल अपना ही भला न करें, औरों का भी भला हो, इसके लिए। ये क्यों मनुष्य का जीवन पूछा गया, शास्त्र में उत्तर आया है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय अच्छा, आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। पहली का पहला काम क्या है, अपना मोक्ष करो, कल्याण करो और जगत का हित करो, जगत का हित करो, भला हो सबका, इसका ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि केवल अपना ही भले के लिए सोचने लग जाएं, दूसरों का भी भला सोचें। और कब होगा, जब आपका मन सरल होगा, आनंदित होगा, आपके मन में सरलता होगी, सबके प्रति हित का भाव होगा, तब ये भाव जगा पाएंगे। बहुत थोड़े समय के लिए जीवन मिला है, सब कुछ छोड़कर ध्यान दो, जितना भी इकट्ठा करो छोड़कर जाना होगा हमेशा, कभी भी इसको लेकर के नहीं जा सकते, कोई साधन ही नहीं है इसको लेकर के जाए। इसलिए जो समय मिला है इसका सही उपयोग करो, अपना जीवन गुजर तो करना ही है, जीवन गुजर के बाद जितना भी समय निकाल सको आत्म साधना में लगाओ, अपने मन को संवारने में लगाओ, अंतस की पवित्रता में लगाओ, अकेले में बैठो और अपने आप से कहो मेरा मन शांत रहे, सबके प्रति मन में प्रेम और मैत्री का भाव जगे, मेरे मन में किसी प्रति बदले का भाव न जगे, द्वेष का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे। ये जो नफरत और द्वेष है ना, ये मानसिक जहर है, जान लो, हमेशा ध्यान रखो, ये विष है, विष, विष। मैंने कहा ना अभी, थोड़े समय क्रोध आता है कितना नुकसान कर देता है, और मन में हमेशा आपके मन में किसी प्रति बदले और द्वेष का भाव जगता रहेगा, शांत रहेंगे? मैं इसको इस ढंग से समझाया करता हूँ, बताया करता हूँ, मेरी तरफ ध्यान दें। इतना बड़ा बर्तन हो और इतने बड़े बर्तन में आप कोयले का अंगारा भर दें, जलता हुआ कोयले का अंगारा, तो पहली आँच किसको लगेगी, पहली ताप किसको लगेगी? उसी बर्तन को ना, जिस बर्तन में आग भरी है तो पहला नुकसान किसको होगा, बर्तन को, फिर वो आँच, फिर वो गर्मी बाजू वाले को पहुंचेगी, सही है ना? दूसरा, आप उस आग को फेंक दें, फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल लें और बर्फ के टुकड़े निकाल करके उस बर्तन को भर दें, शीतलता पहले किसको मिलेगी, ठंडकता किसको मिलेगी, पहले उसी बर्तन को, बाद में औरों को। आपके मन में आग है या आपके मन में बर्फ है, यदि मन में नकारात्मक विचार है, द्वेष, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, वो आग है, आप पहले अपना नुकसान करते हैं और आप चूंकि अपना नुकसान करते हैं इसलिए दूसरों के भी नुकसान में लगते हैं। जिसके अंदर जो होगा वही तो बांटेगा, दुख है दुख बांटते फिरते हैं, लेकिन जिसके भीतर आनंद है वो आनंद ही बांटते फिरता है, वो अपने आप वो बांटते, ऐसा नहीं कि बांट रहा है, वो होता ही है ऑलरेडी, अपने आप वहां से बिखरती है किरणें, अपने आप जैसे तरंगे निकलती ना, वैसे ही तरंगे जीवन से निकलती हैं। जैसे एक आदमी यहाँ आए और उसके कपड़े गंदे हैं, मैले, वो 6 महीने से धुला ही नहीं है, नहाया ही नहीं है वर्षों से, और पूरा मैला कुचैला आ जाए तो उसके शरीर से बदबू आ रही है। अच्छा, वो देना थोड़ी चाह रहा है, उसके आने मात्र से क्या हो गया, बदबू आ रही है, सही है ना? वो अपने आप में गंदगी फैला रहा है। लेकिन एक दूसरा आदमी साफ सुथरा कपड़ा पहना, नहा धो करके, और ऊपर से परफ्यूम छिड़का है, सेंट छिड़का हुआ है, वो जहां जाएगा वहां सुगंधी बिखेरेगा, सुगंधी बिखेरेगा। आपके भीतर पवित्रता है तो आप पवित्रता का ही प्रचार करेंगे। एक शांत आदमी
शांति की ही प्रचार करेगा। आखिर में संत लोग जहाँ भ्रमण करते हैं, बुद्ध जहाँ जाते थे, महावीर जहाँ जाते थे, कबीर जहाँ जाते थे, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जहाँ जाते थे वहाँ क्या करते थे? उनके जाने मात्र से वहाँ पर शांति पसर जाती थी। लेकिन एक गलत आदमी, एक डाकू है, एक बदमाश, एक हत्यारा है, आप सोचो, यहीं पर एक आदमी एक बंदूक लेके आ जाए, अच्छा मारेगा नहीं, केवल बंदूक लेके आ खड़ा हो गया और चारों तरफ एकदम जैसे चौकन्ना वो देख रहा है चारों तरफ से, क्या होगा हम लोग का? आप समझ रहे हैं ना, हम सभी भयभीत हो जाएंगे। हम सभी क्या होंगे? एक, क्योंकि वहां से जो तरंगे क्या निकल रही है, नकारात्मक हिंसा का भाव आ रहा है, हिंसा का। केवल उनके आने मात्र से पूरी जगह यहां पर भय का वातावरण बन गया। लेकिन एक दूसरा आया, एक संत, बहुत शीतल और शांत। कैसा लगता है? उनके आने मात्र से लगता है जैसे वातावरण ही बदल गया, शीतलता ही आ गई है। इसलिए आप क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या हैं? क्या आप नफरत को ढो रहे हैं? क्या आप द्वेष को लेकर चल रहे हैं, घृणा को लेकर चल रहे हैं? तो आपके हर क्रियाकलाप में दिखाई देगा, लेकिन आपके मन में प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, तो आपके भीतर क्या होगा? वो छलकेगा। आप समझिए, वो छलकेगा स्वाभाविक रूप से। आपके भीतर करुणा जगेगी ही, दूसरों के लिए हित का भाव जगेगा ही। उनके प्रति आप किसी को तकलीफ को आप देख नहीं पाएंगे। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं, किसी की तकलीफ को आप देख नहीं पाएंगे। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आप लोग, राष्ट्रपति के, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की प्रसिद्धि है ना, वैसे ही अब्राहम लिंकन। एक बार वे किसी मीटिंग में जा रहे थे, तो रास्ते में देखा एक सुअर नाली में, एक मिट्टी में, दलदल में फंस रहा है। वो निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो उसने क्या किया, घोड़े से उतरा और उस सुअर को बाहर निकलने में सहयोग किया। सुअर बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा करते ही उनके कपड़े मैले हो गए, गंदे हो गए। फिर क्या हुआ, वो तो देरी हो रही थी मीटिंग में, वो चले ही गए। लोगों ने कहा, क्या हो गया था, ये कपड़े कैसे इतने गंदे हो गए, आप कहीं गिर गए थे, कहीं कुछ हो गया था? उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अंत में बताना पड़ा, अरे भाई एक सुअर फंस गया था तो उसे निकालना था, और इसी निकालने के चक्कर में कपड़े मैले हो गए। लोगों ने कहा, आप कितने दयालु हैं, आप अपने इतने बड़े पद पर होकर के भी आपने इतना भी ख्याल, मतलब नज़रअंदाज किया, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आप कितने दयालु और कृपालु हैं, कितने उदार हैं, आप कितने अच्छे आदमी हैं, मतलब वो सारी बातें लोग कहने लगे। उन्हें कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ कृपा नहीं की है, मैंने कोई दयालुता का काम नहीं किया है, तो मैंने तो केवल अपने लिए किया है ये काम, अपने लिए किया, उस उनके लिए कुछ काम नहीं किया है। अपने लिए मतलब, मैं यदि उस सुअर को उस गड्ढे में फंसे हुए देख करके आगे बढ़ जाता, न निकालता, न सहयोग करता, तो मेरा अंतःकरण मुझे चैन से बैठने नहीं देता, कचोड़ता, तुमने क्यों सहयोग नहीं किया। तो मैं अपने आप ही शांत और प्रसन्न रहने के लिए ये काम मैंने किया है, मैंने तो अपना हित किया है, सुअर का हित नहीं किया है। किसका किया? अपना हित किया। कहने का मतलब यह हुआ, जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में दयालुता है, करुणा है, वो बिखरेगा, व्यवहार में दिखाई देगा। लेकिन जिसके मन में द्वेष और नफरत है, गलत भाव है, वो भी दिखाई देगा, वो भी चलते फिरते नुकसान कर जाएगा दूसरों का, या तो शब्दों के माध्यम से या कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से। क्यों? वो बाहर निकल रहा है। इसलिए जो मैंने कहा था कि आप भीतर से पवित्र होना, होने का प्रयास कर, यही तो धर्म है। आप क्या मानते हैं धर्म? जैसे मैं कपड़ा पहनना हूं वैसा पहन लेना, या माला फेर लेना, या पूजा कर लेना, आरती कर देना मंदिर में जा करके,
या तीर्थों में जाकर के तीर्थों का दर्शन, तीर्थों में जाकर मंदिरों को दर्शन कर लेना, किसी नदी में नहा लेना दो चार बार, इसको आप मानते हैं धर्म है? वो तो सेकंड है, सेकेंडरी है, बात की बात है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने वालों को भी देखा जाता है, उनका जीवन बदलता नहीं है, वही के वही रहता है। जो गलतियां वो तीर्थों में जाने के पहले करते थे, तीर्थ से लौट करके आया और वही गलती भी दोहरा रहे हैं। नदियों में नहाने गए, पवित्र नदियों में जिसे कहा जाता है, नहा करके आए और वही के वही रहते हैं। पूजा करने के पहले जो स्थिति, पूजा करने के बाद भी वही स्थिति। असली है आप बदल गए, सत्संग में आए और आप बदल गए तो ही सार्थकता है। सत्संग में आते समय जो आप थे, सत्संग से लौटते समय आप वह न रह जाएं, आपका पुनर्जन्म हो जाए। जैसे कोई सुबह उठे तो क्या होता है, चेहरा अस्त व्यस्त होता है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, और उसी समय कोई फोटो लेने के लिए खड़ा हो जाए, मैं फोटो लेने वाला हूँ, आप कहेंगे अरे चुप अभी, थोड़ा सा ठीक ठाक होने दो, सही है ना, ठीक ठाक होने दो, स्नान वगैरह करने दो। तो स्नान वगैरह कर लिए, स्नान करने के बाद आप बिल्कुल अलग लगेंगे, और स्नान करने के बाद भी आप वैसे ही लग रहे हैं जैसे आप स्नान करने के पहले थे। तो स्नान करने का क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं है। सत्संग में आने के पहले जो आप थे, अर्थात जैसा आपका विचार था, जैसा आपका स्वभाव था, वो अब बदले, अब नए विचारों के साथ यहाँ से प्रस्थान करें। क्या कहना है? अब आज तक के जो जीवन जीता रहा वो अलग है, आज से मैं बदलूंगा, अपने विचारों में पवित्रता लाऊंगा, अपने शब्दों में मैं मधुरता लाऊंगा, और अपने कार्यकलापों को भी मैं सुधारूंगा। अर्थात एक नए विचार के साथ, नए भावों के साथ, नए इंटेंशन के साथ आप यहां से प्रस्थान, यही तो पुनर्जन्म है, यही तो नई शुरुआत करनी है, जीवन की नई शुरुआत करें, पुराने को छोड़ करके आगे बढ़ें। रोज समय मिलता है, रोज सुबह सूर्य निकलता है और हमें जीवन को सुंदर बनाने का एक अवसर मिलता है। रोज आप ध्यान दें, आपने जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प लें आप, मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा, और सुंदर बनाने के लिए आप घर को सुंदर बना लेंगे, जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा। सुंदर गाड़ी घर में ले आएंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा, कीमती कपड़े पहनने से भी जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा, और आप अपने चेहरे को भी सुंदर बना लेंगे तो भी जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा। एक ही चीज है जिसे सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्या है वह? वह है आपका मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। सद्गुरु कबीर की पंक्ति याद करो, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, एक क्या है? वह मन है, उसी को साध लो, उसी को सुंदर बनो, उसी को संवार लो, उसी को ठीक कर लो। जिसके बारे में अभी तक कह रहा था वो मन ही है जिसमें हम द्वेष पालते हैं, मन ही है जिसमें हम नफरत पालते हैं, और वही मन है जिसमें प्रेम और मैत्री का भाव जगाते हैं। इसलिए गलत नहीं, अच्छे को स्थान दे। हमारा वही वाणी है लेकिन उसी वाणी से हम कटु बोलते हैं और उसी से मधुर भी बोल सकते हैं। क्या करना है? कटुता को छोड़ करके मधुरता में आना है, ये जीवन को संवारना है, और जिसने ये काम किया उसका जीवन सफल होता चला जाता। मैं समझता हूँ यही भजन है, यही साधना है। हमारे कबीर पंथ में एक पंक्ति दोहराई जाती है, आप लोग सुने होंगे कभी, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लेता है मानो भजन कर लिया, और मन की तरंगें जो गलत तरंगें चल रही हैं उसको शांत कर देने वाला वो सब समझो भजन कर लिया। केवल भजन गाने वाला ही पर्याप्त नहीं है, भजन करना सीखो, और वो है अपने आप को साधो, शांत करो। मैंने कहा ना, शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है, उसकी रक्षा करो। आपके पितर है, ऐसा नहीं कि बाहर है, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो बस। ऐसा कुछ व्यवहार ना हो जिससे वो मन की शांति भंग हो।
हम संपत्ति की रक्षा, जैसे किसी के पास गोल्ड हो, सोने चांदी हीरे मोती के जवाहरात हो, कहाँ रखते हैं? मैं पूछता हूँ अभी, ऐसा नहीं कि मैं निकालने जाऊँगा, कहाँ रखते हैं उसको? घर के अंदर अलमारी में। अच्छा, अलमारी में भी एक छोटा सा और लाकर सो होता है, रखते हैं वहाँ, रखते हैं जेवर को, गहने को। और जब ताला बंद करते हैं ना, हर ताले को बार बार खींच के देखते हैं, ठीक से बंद है कि नहीं है, है ना? ताला के खींच के देखते, ठीक से बंद है ना? कितनी सुरक्षा सोने की, चांदी की, हीरे की। उससे भी बढ़कर संपत्ति है ये मन की शांति। आप उसकी सुरक्षा कितनी करते हैं? किसी ने आके कहा तुम तो बड़ा बेवकूफ आदमी, हमारी शांति भंग हो गई। क्यों? उनके कहने मात्र से नहीं, हमें रक्षा करनी है। किसी के गलत क्रियाकलापों से मैं अपनी शांति को भंग न होने दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हम सभी अपनी शांति की रक्षा करें। तो कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच कही, काफी देर हो गई। वो क्या है? आपका जीवन है, आपको इसको सुंदर तरीके से जीना है। इसको रोज समय मिलता है, बढ़िया से जियो, यही जीवन की सफलता है। मैंने कहा ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। हम सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाने के पहले एक बड़ा काम कर लेना है, वह है चित्त की पवित्रता। वो चित्त की शुद्धि जिसने की, वही चित्त शुद्धि में परमात्म दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है, और अशुद्ध चित्त में नहीं होता है। पवित्र चित्त चाहिए, वो काम हम कर सकते हैं साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब पूज्यपाद गुरुदेव जी से ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे। सत्संग समाप्ति की ओर है। हमारे साथी शिवेंद्र साहब जी से निवेदन है, वो एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, वह भजन हम सबके बीच रखने की कृपा करें। शिवेंद्र साहब जी से निवेदन है, बोलिए सद्गुरुदेव की। कबीर साहेब की जय। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। बैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिल मिल कर रहते, एक दूजे का आदर करते हैं, सतपथ पर ही चलते। बैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिल मिल कर रहते, एक दूजे का आदर करते हैं, सतपथ पर ही चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान है, खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है।
मृदुवानी सुंदर बरताओ सभी सुखों की खान है। मृदुवानी सुंदर बरताओ सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे सुख को सब में बांट ले। सूल बिछाया करते पर हित खुद को चुभते है काटे। दुख पराया अपना समझे सुख को सब में बांट ले। सूल बिछाया करते पर हित खुद को चुभते है काटे। त्याग ही जिसका या भूषण है स्वार्थ का नहीं नाम है। त्याग ही जिसका या भूषण है स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर बरताओ सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निशिदिन पूजा है सत्कर्मों की। होता पाठ प्रेम का निशिदिन पूजा है सत्कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। मात पिता और गुरुजनों का होता हर पल मान है। मात पिता और गुरुजनों का होता हर पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर बरताओ मृदुवानी सुंदर बरताओ सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।